गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस पे आज हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कौन से ऑपरेशंस होते हैं हमारे बेसिक ऑपरेशंस, देखो यहाँ पे लिखे हैं दो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देयर आर फोर बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो आज के वीडियो में हम ये दो ऑपरेशन सीखेंगे, कौन से, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम एडिशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के एडिशन सॉल्व करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं दूंगी, 2/3 एंड 4/3 का एडिशन करना है। ये दो जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस मीन्स आपको पता है फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, जो नंबर होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में के फॉर्म में लिखते हैं हम, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर नंबर। वो क्या होता है, फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसको बोलते हैं 2/3 एंड 4/3। ठीक है, तो इन दोनों का मुझे अभी करना है एडिशन। तो इनका एडिशन कैसे होता है, हमारे नॉर्मल एडिशन जैसे कि होता है क्या, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इनका एडिशन शुरू कर रही हूँ मैं। ठीक है, 2/3 प्लस 4/3। तो देखो सेम एडिशन होता है, हमारे जैसा ही एडिशन होता है। इसमें हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है इनका जो बेस है, जो जो फ्रैक्शंस है उन दोनों का जो बेस है वो बेस सेम है क्या, वो चेक करना है। तो आप लोग चेक कीजिए, बेस मीन्स इनका डिनोमिनेटर, नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये बेस है ये दोनों तरफ सेम है क्या, यानी कि दोनों की तरफ एक ही नंबर है क्या। तो आप लोग देखिए, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो ऐसे समय हमें इनका क्या करना है, जब बेस सेम होता है, ध्यान से सुनो, जब बेस सेम होता है तब हमें वो दोनों में कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, कॉमन मीन्स दोनों में है तो सिर्फ एक टाइम लेंगे। 3 मैंने एक टाइम लिखा तो इधर का भी आ गया और इधर का भी आ गया, बराबर। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1x3 लिख देना है। और ऊपर के जो दो नंबर्स है, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे है 4, ये दोनों जो न्यूमरेटर है उनका यहाँ पे ऊपर क्या करना है, एडिशन करना है। देखो ध्यान से सीखो ये स्टेप कैसे आया। ठीक है, अगर ये स्टेप आ गया तो ये पूरा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। क्या करना है ध्यान से सुनो, जो दोनों फ्रैक्शंस दिए हैं वो पहले लिख लेना है, उनके बीच में यहाँ पे प्लस का साइन देना है, और बाद में दोनों फ्रैक्शन को हमें ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों का जो बेस है वो सेम है क्या। तो यहाँ पे बेस सेम आया है, बराबर, मीन्स यहाँ पे जो बेस सेम आया है तो सेम ले लेने का एक टाइम, और ऊपर के जो दो नंबर्स है कौन से भी हो, यहाँ पे 2 एंड 4 है तो उन दोनों का क्या करना है, उन दोनों का यहाँ पे एडिशन करना है। ठीक है, तो हम एडिशन करते हैं। अभी देखो क्या आएगा इसका एडिशन, 2 और 4 कितने होंगे, 2 और 4, यस 2 एंड 4 मिला के होंगे 6। और नीचे तो 3 को क्या करना है, एज इट इज 3 वापस लिख देना है, उसको कुछ भी करना नहीं है। अभी सिर्फ पहले एक टाइम लिख लिया उसी को अभी कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, उसके साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर दोनों का क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। तो यहाँ पे आया 6 और नीचे आया 3, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आया आपको, एक और प्रॉब्लम लेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व, 8/9 एंड 16/9, इन दोनों का करना है मुझे एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का पहले सिंबल लिख देना है एडिशन का, इन दोनों के बीच में
बराबर। एडिशन का लिख दिया हमने, प्लस सिंबल होता है एडिशन का, सबको पता है, लिखा हमने। अभी मुझे बोलो, मैंने बोला लिखने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है कि दोनों के जो बेस है वो दोनों के जो बेस सेम है क्या। यस, यहाँ पे भी सेम आया, यहाँ पे भी नाइन आया और यहाँ पे भी नाइन आया, तब हमें एडिशन कैसा करना है, तब हमें एडिशन में जो बेस सेम है उसको सिर्फ वन टाइम लिखना है और जो ऊपर के दो नंबर्स है यानी कि क्या है यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16, उन दोनों का यहाँ पे एडिशन करना है। ठीक है, तो इनका एडिशन क्या आएगा, 16 प्लस 8, टोटल कितने हो गए, 16 प्लस 8 हो गए 24 और इधर नीचे 9 को एज इट इज हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ये होगा हमारा एडिशन, जब बेस कॉमन होता है तब हम ऐसा एडिशन करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सेम इसी तरह हम एक और ऑपरेशन यहाँ पे दिखाएंगे जो है नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा सब्स्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, सब्स्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है, सब्स्ट्रैक्शन भी सेम तरीका है सॉल्व करने का, इसके जैसा ही सॉल्व करना है। ठीक है, सेम ही होता है। जैसे देखो यही प्रॉब्लम का अभी हम सब्स्ट्रैक्शन करके देखेंगे, क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे, सेम यही प्रॉब्लम लिखेंगे, 8/9 एंड 16/9। ये जो प्रॉब्लम है इसका हम यहाँ पे सब्स्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो सब्स्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में किसका साइन देना पड़ेगा, माइनस का साइन देना पड़ेगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे देखो इधर भी हमें चेक करना है, जब भी यहाँ पे सब्स्ट्रैक्शन भी करना है तो बेस सेम है क्या चेक करना है, बताओ मुझे यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, क्या करना पड़ता है, हम अभी भी देख रहे थे इतने टाइम, जब बेस सेम होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम कॉमन लिखते हैं उसको। ठीक है, और जो ऊपर के दो नंबर से उनका हम क्या करते हैं, उनका हम सब्स्ट्रैक्शन करते हैं। इसका मतलब 16 और 8 का हमें माइनस करना है, तो 16 इज अ बिग नंबर इसलिए मैं उसको पहले लिख रही हूँ और 8 इज अ स्मॉल इसलिए मैं बाद में लिख रही हूँ। हमको इजी जाएगा किसमें, सब्स्ट्रैक्शन करने में, माइनस करने में। तो चलो 16 में से 8 माइनस हो गए यानी कट हो गए, तो कितने रिमेनिंग रहेंगे बोलो जल्दी से, 16 में से 8 गए तो। वेरी गुड, 16 में से 8 माइनस हो गए तो रहेंगे 8 और नीचे एज इट इज 9 को 9 लिखना है। ठीक है, तो इसके जैसा सेम है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं एक और आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 10/5 एंड 6/5 इन दोनों का हमें करना है सब्स्ट्रैक्शन। तो कैसे करेंगे देखो, इसको 10/5 माइनस 6/5 इनको सॉल्व करते समय इनका बेस मैंने देखा सेम है, क्या है दोनों तरफ 5 है, तो मैंने उसको वन टाइम लिखा बराबर, और ऊपर 10 और जो 6 है उनका क्या करना है हमें, माइनस करना है। ये जो देखो है माइनस, तो ये साइन माइनस बीच में लेना है और इधर दो नंबर्स लिख देने हैं, वो जो दो नंबर से लिख दिया, अभी क्या करना है ऊपर माइनस कर देना है, करो माइनस, 10 में से 6 माइनस हो गए, हाउ मेनी आर रिमेनिंग, यस वेरी गुड 4, तो यहाँ पे आएंगे 4 और नीचे एज इट इज क्या आएगा डिनोमिनेटर में 5, तो आवर आंसर इज 4/5। इन दोनों का सब्स्ट्रैक्शन कितना आया, 4/5 आया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा हमारा ये सब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको बार बार देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नंबर लीजिए और फ्रैक्शन के नंबर लीजिए और उनका एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन करके देखिए। ठीक है, तो चलो बाय, लव यू एंड हैव अ नाइस डे।